कि कौन कौन सी जगहों से मैं जाता हूँ और कहाँ कहाँ आप लोग विज़िट कर सकते हो, कौन कौन सी ऐसी जगह है जो टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट एनी इंटरप्शन। दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे मैं रहता हूँ। यहाँ पे अंदर को मेरा रूम है और इस रूम के अंदर मैं रहता हूँ और यहाँ पे बारिश हो रही है और फिर से ठंड वापस हो चुकी है। वेल, आपको सामने जो ये वृक्ष दिख रहे होंगे, ये है प्लम के और वो वाला भी, तो यहाँ पे खुद के प्लम भी है, खा सकते हैं। गाइस, मौसम हो चुका है अच्छा और थोड़ी थोड़ी सूरज की किरणें भी आ रही हैं। मुझे नहीं था पता कि सूरज के ब्लॉग में सूरज भगवान की किरणें भी आ जाएगी आज। लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले तो आप व्यू को एंजॉय करें। देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे दो बड़े बड़े टैंक है। ये है टैंक जिससे पूरे सोलन को पानी डिस्ट्रीब्यूट होता है। एक टैंक जो आपको सामने देखने को मिल रहा है और दूसरा वाला टैंक वो है वहाँ पे, इसको कवर कर दिया गया है। और तीसरे वाला टैंक वो सामने वो वाली बिल्डिंग, वो बहुत बड़ा है। अगर आप थोड़ा पास जाके, आपको दिखाता हूँ, है टैंक यहाँ का जो कि अभी पूरा भरा नहीं हुआ है और इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, इसमें बहुत पानी आ सकता है। और कितना अच्छा लोकेशन, कितना एंजॉयबल व्यू है, आप देख सकते हो कितना अच्छा मौसम हो रखा है यहाँ पे। और ये वाला टैंक जो कि कवर नहीं हुआ, सून ये भी कवर हो जाएगा। और वहाँ पे सामने दूसरा टैंक है, वो भी बहुत बड़ा है, इतना ही इससे थोड़ा बड़ा है, वो कवर कर दिया गया है। और साथ में एक टैंक वहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। आप व्यू देख सकते हैं, आप व्यू का एंजॉय लें, आप व्यू देखें, आप एंजॉय द व्यू। मौसम साफ हो चुका है और जाना तो बस में था, लेकिन अब बाइक पे जाएंगे और मेरी टांगे, माय लेग्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग, क्योंकि गाइस मैं वेट कर रहा हूँ अपनी सिस्टर का और वो आ गई वहाँ से। वर्षा, ऊपर जैसे लगा दे, चले आराम से चलाइयो। हाँ, बैग दे दे मेरे पास अपना, मेरे वाला बैग पकड़ ले तू, आ जाएगा ना ये पकड़ में। ओ भाई, मैं चलाऊँ चल तू चला, लेट्स स्टार्ट है ना। तो गाइज, वीडियो स्टार्ट है और हम निकल चुके हैं सोलन से घर की ओर और अच्छा आराम से चलेंगे हम। तो ये है, तो मेरे को ना चलानी पड़ी बाइक क्योंकि मेरे को चलानी भी नहीं आती। कच्चा रास्ता खराब है। तो ये है पीजी कॉलेज सोलन, यहाँ पे काफ़ी बच्चे आते हैं पढ़ाई करने के लिए, ग्रेजुएशन करने के लिए सोलन का, हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट सोलन का। और चल चल, कोई नहीं, इधर से जाना, बस बस रुक गए। अच्छा आगे, हाँ ले लियो। बस कर, बस कर, बैठ जाओ। आता है चटोली शिव टेम्पल, यहाँ पे ऊपर मंदिर है, तो हम यहाँ पे रुकेंगे। वर्षा दो मिनट ब्रेक मारियो। तो ये है स्पॉट, यहाँ पे चटोली शिव मंदिर टेम्पल है, वहाँ पे एशिया का सबसे ऊंचा टेम्पल। अभी हम टेम्पल तो नहीं जाएंगे, टेम्पल मैं आपको दिखा नहीं सकता। तो अभी हम यहाँ पे, अब हम यहाँ से निकलेंगे घर की ओर। पहले तो मेरी टांगे कांपती थी बट स्टिल यहाँ तक हम 5 किलोमीटर आ गए, अब तब भी ठीक लग रहा है कि हाँ चला ही लेगी। तो ये पहला स्पॉट बता दिया, चटोली शिव टेम्पल, और अब नेक्स्ट बताऊंगा आपको। सो वेल गाइस, ये है वाइल्ड क्राफ्ट की कंपनी जहाँ पे वाइल्ड क्राफ्ट के बैग्स वगैरह तैयार किए जाते थे। गाइस ये है दूसरा स्पॉट, यहाँ पे 0 पॉइंट, यहाँ पे पेट्रोल पंप भी है और ये 0 पॉइंट है। अब मुझे नहीं पता है इसे 0 पॉइंट क्यों कहा जाता है, बट
वेल जीरो पॉइंट कहा जाता है तो कहा जाता है, क्या कह सकते हैं। मार्केट नहीं है बट काफ़ी अच्छा मार्केट है। और इसमें भी यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे पहले कूड़ा कचरा फेंका जाता था नीचे को। हम पहुँचे ओच घाट में, और ओच घाट से ये वाला रास्ता जाता है जो ये वाला छोटा सा लिंक रोड, और जो ऊपर वाला है नौणी यूनिवर्सिटी हो तो ये वाला रास्ता गया मोनेस्ट्री के लिए। अगर आपको मोनेस्ट्री जाना है तो आप यहाँ से जा सकते हो, ये वाला ऊंच घाट से सिर्फ एक मोड़ आगे। और नहीं तो अगर आप यहाँ से नहीं जाना चाहते हो तो एक रास्ता और है, वो काला घाट से जाएगा मोनेस्ट्री के लिए, वो भी आपको मैं वीडियो में दिखाऊंगा अभी। और आप देख सकते हो कि ये ऐसा रास्ता है, थोड़ा कच्चा रास्ता है, रास्ता तो पक्का है बट रास्ते के बुरे हाल है। इस बाल के हो चुके हैं बुरे हाल, बाल का हो गया है बहाल। तो काला घाट तो हम पहुंचने वाले, और ये वहाँ यूनिवर्सिटी आप सामने देख सकते हो पीछे, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। अगर कभी घूमने आना हो तो दिस इज़ वर्ल्ड रैंक्ड यूनिवर्सिटी, तो आप यू कैन कम। तब भी थोड़ा व्यू साफ दिख रहा है, तो वो है सामने नौणी की यूनिवर्सिटी। और इसके लिए यार बड़ा संघर्ष किया था प्लस टू में, पर शायद उतना संघर्ष नहीं किया था जितना इसको चाहिए था, नहीं तो मैं भी कहीं वहाँ पर होता। सो अपने हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा वृक्ष पाए जाते हैं चील के, और तो आपको चील ही चील देखने को मिल रहे हैं। और ये रास्ता है सिरमौर में, क्या हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा रेशो है। सो गाइज शी इज़ माई सिस्टर विद मी, और ये मेरी यंगर बहन है, मेरे से छोटी है, शायद लग नहीं रहा होगा। तो अगर छोटी होती तो डेफिनेटली मैं चलाता, बट अब बाइक है तो इसको चलानी पड़ रही है। वैसे चला तो मैं भी लूँगा, मेरे को पता है, पर गिर जाऊँगा। पर मैं नहीं चाहता कि फिर बाइक को उठा के ले जाना पड़े, मेरे को इसको ही उठा के ले जाना पड़े। वैसे भी घर वालों ने मना कर रखा कि बाइक पर मत आई हो। हाँ ब्रेक तो वही है, पर अंदर वाली साइड पर थोड़ा सा ध्यान देना है। बैठ जाओ, पक्का जगह ही नहीं है। तो मेरी काम चलो लेट्स स्टार्ट। ये मैं नागिन चलना, और थोड़ा स्लो चल ले, मोड है जब तीखा। बेटा आई एम अ राइडर, स्लो राइडर। नहीं चल चल शाबाश। पीछे चला, ड्राइव नहीं कर रही हूँ, पर पैरों में ऐसी कंपन हो रही भाई, बस झन 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 वाली। गड्ढे का ध्यान भी रखना, आगे से कुत्ता भी आ रहा स्पीड बढ़ाने की बजाय। हाँ तू आगे ध्यान दे। शाबाश शाबाश, वेरी गुड। कौन से मोड़ से हम नीचे जाएंगे, पर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ रहा है, कोई बात नहीं। पर जब गड्डी आती तभी वो एकदम इकट्ठे हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो हमारा रोड इतना ज़्यादा अच्छा है ना, हाईवे से तो बढ़कर ही है बाबा। यार एक बात बताऊं, जब कोई गाड़ी आती है ना आगे से, सांप क्यों बना लेता बाइक का, पहले ये बता भाई। पूरी लहर आती है बाइक, क्यों लगता है पता नहीं कहाँ गिरूंगी मैं जाके, ऊपर को कि नीचे को कोई पता ही नहीं। तो इसमें क्या बड़ी बात है, वैसे तो 180 kg की तो बाइक ही है। ये जा रहा है, पर पहले मैं इसको जाने दूंगी। मेरे को देख, एकदम से क्लच छोड़ दिया ये। हाँ दोबारा से स्टार्ट कर। थोड़ा आगे, हाँ हल्की हल्का क्लच छोड़, हल्की हल्की ब्रेक दे, पहले दूसरे गियर में है, पहले में ले ले, नीचे को डाउन कर गियर। ये क्या है,
चल चल, हल्का हल्का क्लच छोड़, हल्की हल्की स्पीड दे, चल चल, क्लच नहीं छोड़ पूरा, छोड़ दे, छोड़ दे यार तू, रुक जा, कर दे स्टैंड पे लगा, स्टैंड पे लगा दे। मार मार फुल स्पीड में, शाबाश, मार ले मार ले, छोड़ दे ब्रेक के ब्रुके, न्यूट्रल में स्टंट मारा भी मेरा भाई, ध्यान से देखे, ये देखो रोड कहाँ है, ये कहाँ चल रहा है, देखो तो। ओके गाइस, अब हम पहुंचे हैं देवथल में, ये वाला पुल, यहाँ पे हम थोड़ी सी देर के लिए बाइक खड़ी कर दी वहाँ पे, और आपको दिखा दूँ कि बारिश हुई थी तो थोड़ी सी नदी भी आई है यहाँ से, व्यू आप देख सकते हो, सो दिस इज द व्यू। सिरमौर में हम ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं, हम सिरमौर के अंदर आ चुके हैं, और ये है अपना सिरमौर, अपना ब्यूटीफुल सिरमौर। निकल चुके हैं वर्क, जो कि जो काम जिसका उसी को साज है, तो मैंने बाइक चलानी छोड़ दी, इसमें व्लॉगिंग करनी छोड़ दी, और यार यहाँ मेरे को बचपन में बड़ा डर लगता था, क्योंकि ये पहाड़ियाँ ऊपर को और ये यहाँ से नीचे सीधी खाई है, वहाँ से नीचे छोटी सी नदी है, और बड़ा डर लगता है यहाँ पे, इससे थोड़ा सा नारक बचा, फिर ऑलमोस्ट हम अपने घर में पहुँच ही गए। लेकिन रुक दे हाँ, चलो फिर हम यहाँ से निकले, और तो वंडरफुल व्यू यार, मतलब बहुत ही देखने योग्य, दार्शनिक घूमने योग्य, अगर कोई बाहर से आता है तो सच में। तो गाइज अभी हम पहुँचे देवथल से थोड़ा सा ऊपर आके, और यहाँ पर है ये शराब की फैक्ट्री, ये वाली फैक्ट्री, इस फैक्ट्री बहुत ही बड़ी है और काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं। इस फैक्ट्री की दो खासियत है कि एक तो रोज़गार देती है लोगों को, और दूसरा शराब देती है लोगों को। हाँ, तो फाइनली हम नारक पहुँचने जा रहे हैं, और नारक पहुँचने से पहले मैं दिखाना चाहता हूँ आपको एक चीज़, फूलों को दर्शन के लिए लगाया है, तोड़ने के लिए नहीं, कृपया फूलों को ना तोड़े, यह फूल जानवर से तो बचे, इंसानों से नहीं। वाह, कितनी अच्छी बात लिखी है यहाँ पे। तो गाइज आप देख सकते हो, ये है कमल के फूल यहाँ पे, और ये यहाँ पे ऊपर वहाँ पे वाली बिल्डिंग जहाँ देखने को मिल रही है, वहाँ पे बाबा जी रहते हैं, उन्होंने लगाए थे, और अब देख सकते हो आप कितने सारे इनकी कितनी संख्या हो चुकी है। तो ये है आपके कमल का फूल। सो वेल गाइज, अभी मैं पहुंचा हूँ नारक में, और ये है नारक का छोटा सा बस स्टैंड, और वैसे तो नारक बहुत बड़ा है, और ये है ग्राम पंचायत, वहाँ पे ग्राम पंचायत नारक सामने दिख रही है वहाँ पे, और ये है यहाँ का मंदिर, शिव भगवान जी का मंदिर, ये बहुत 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 पुराना मंदिर है यहाँ पे, ये देख सकते हो आप, शिव भगवान जी, जय भोलेनाथ, ये बड़ा पुराना मंदिर है यहाँ का, आगे तक ये लास्ट मंदिर से भी पर, और ये वहाँ नीचे भी वहाँ पर काफ़ी सारे घर हैं, तो ये जहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी है वहाँ पे नीचे, वहाँ पे जब यहाँ पे मेला आता है तो यहाँ पे कुश्ती होती है, तो अभी दिखने में तो थोड़ा छोटा दिख रहा है, और वो बहुत बड़ी मार्केट है, वहाँ तक लास्ट में गाँव दिख रहा होगा, वहाँ तक, वहाँ से लेके। हेलो गाइस, तो ऑलमोस्ट हम पहुँचने ही वाले हैं घर में, और ये कच्चा रास्ता है, थोड़ा सा कच्चा रास्ता मिलता है, और ये जितने भी आपको अगर देखने को मिले, जहाँ तक भी नज़र जाती है, तो चीड़ के ही वृक्ष देखने को मिलेंगे, इतनी मात्रा में चीड़ यहाँ पे हैं, और रास्ता अभी बहुत ख़राब है, गंदा हो रखा है। गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एट द एंड अभी जस्ट मैं घर पहुँचा, और इस वीडियो में एक शायर की कमी है, क्योंकि शायर नहीं आया इस बार, तो एक शायर आप सभी के लिए। अजीब मुकाम पर ठहरा है काफिला जिंदगी का, कि अजीब मुकाम पर ठहरा है काफिला जिंदगी का, गांव जाए तो रोज़गार ख़त्म, शहर जाए तो ज़िंदगी ख़त्म। सो गाइस, वियर योर मास्क जब भी आप बाहर निकले, ध्यान रखिए, कीप सोशल डिस्टेंसिंग, और ध्यान रखिए अपना परिवार का, एंड हाँ, इस वीडियो
कमेंट इफ यू वांट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। अगर आपको वीडियो थोड़ी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। अगर आपको वीडियो बुरी लगे तो भी लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। और अगर आपको वीडियो बहुत ही बुरी लगे तो गाइस तो भी लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, टेक केयर।